हेलो फ्रेंड्स, तो सावा बनाने के लिए हमें टमाटर चाहिए, लाल मिर्ची, काजू और बादाम, किशमिश और सेंधा नमक, व्रत वाला और ये सब सामग्री। और आधा कप सेवा को हम पानी में भिगो के करीबन 10 से 15 मिनट के लिए रख देंगे सोक करने के लिए। और हम कढ़ाई में 3 चम्मच तेल लेंगे और तेल को अच्छे से मीडियम आंच पे गर्म कर देंगे और उसमें मस्टर्ड सीड्स डाल देंगे। जब ये चटक जाए तो अब हम इसमें हरी मिर्ची डाल देंगे और थोड़ी देर इसको पकने देंगे करीबन 10 सेकेंड। फिर इसमें काजू और बादाम भी डाल देंगे और इन्हें भी अच्छे से भून लेंगे। तो अब इसमें किशमिश भी ऐड कर लेंगे। किशमिश से इसमें बढ़िया मीठा स्वाद भी आएगा चटपटे स्वाद के साथ। अब हम इसको अच्छे से भून लेंगे। उसको भूनने के बाद इसमें टमाटर भी ऐड कर देंगे और टमाटर को भी अच्छे से इसमें भून लेंगे। इनके भूनने के बाद हम इसमें नमक डाल देंगे स्वाद अनुसार। व्रत वाला नमक इस्तेमाल करेंगे हम इसमें। तो इसको भी अच्छे से मिक्स करके इसमें लाल मिर्च पाउडर डालेंगे 1 चम्मच। आप चाहे तो कम भी डाल सकते हैं। अब इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम इसमें हल्दी डालेंगे। मैंने इसमें ताजी हल्दी इस्तेमाल करी है, इसको कद्दूकस कर दिया। आप चाहे तो हल्दी पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं और 1/4 चम्मच इस्तेमाल करना। अब इसके भून जाने के बाद हम इसमें सावा डालेंगे जो हमने भीगने के लिए रखा था। अब सावे को अच्छे से इसमें मिक्स कर देंगे और करीबन 10 सेकेंड के लिए इसको अच्छे से भूनेंगे। और भून जाने के बाद हम जितना हमने सावा इस्तेमाल किया था, जैसे आधा कप हमने सावा लिया तो उसका हम 1 कप पानी डालेंगे इसके अंदर। अब ये भून चुका है, अब हम इसमें 1 कप पानी डालेंगे। ध्यान रखें जितना सावा लें उसका डबल ही पानी डालें और इसको कम से कम 10 से 15 मिनट के लिए रख देंगे। सावा जल्दी तैयार हो जाता है तो वेट करने की भी ज़रूरत नहीं रहेगी। अब हम इसे लेट लगा के कवर कर देंगे। तो अब ये रेडी है, देखिए किस तरह से बढ़िया लग रहा है। अब हम इसको थोड़ी देर के लिए कवर करके छोड़ देंगे और ये रेडी है। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें अगर आप नहीं हैं तो।